नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट पे। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो लोग कह रहे थे वीडियो एग्ज़ाम के दो दो रेट पड़े हुए हैं, सर जी दो दो केस चल रहे हैं, तो मैंने आपको एक केस आपको जो दिखा दिया था 12-27 केस नंबर, उसको आप भी जाके आप लोग देख सकते हो। और एक रही बात, एक और जो केस नंबर है, आप में से लोग कह रहे थे कि दो केस नंबर हैं सर जी, तो दूसरा वाला भी आप दिखा दीजिए। तो आपको दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो, आप लोग भी खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करना क्या होगा, आपको गूगल पे जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए ये आ गया, दो दो वर्ड आप डाउन वो करेंगे, अपने आप आ जाता है। ठीक है, सर्च में यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ जजमेंट एंड ऑर्डर्स। ठीक है, फिर जजमेंट एंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए केस नंबर आएगा। फिर यहाँ देखिए मेन सीट ब्रांच पूरा इसको ओपन हो जाए। ये देखिए यहाँ अमेगमिनेशन ऑर्डर लिखा है, वहाँ पे आपको रेट ए डालना है, रेट ए, और केस नंबर डालना 1217 1217। ठीक है, उसको डाल के आपके वो ये जो कॉपी कैप्चा दे रखा है 5 9 और 9542 9542, इसको डाल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका पूरा केस खोल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ जजमेंट एंड ऑर्डर इन केस, केस आपका केस नंबर ये है। आप लोग भी अभी लिख लीजिए, पेन कॉपी लेके कहीं भी लिख लीजिए एक साइड। ठीक है, पिटीशन यहाँ लिखा हुआ, पिटीशनर यहाँ लिखा हुआ है गणेशी देवी सीनियर बेसिक गर्ल्स स्कूल एंड अदर्स, और रिस्पोंडेंट कौन है, यूपी स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स। पिटीशनर है वीरेंद्र सिंह और डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ से ये फाइल आजमगढ़ के लोगों ने किया है। इसमें अभी तक एक ही तारीख को जो जजमेंट हुआ है वो हुआ है 24/1/2019 को, जो सेम डेट उसमें भी है। कोड नंबर यहाँ देख सकते हैं 18 कोड नंबर है। ठीक है, हाँ ये आपको अगर पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। ये देखिए यहाँ पे बस एक आपको करना क्या होगा, ये कैप्चा डालना होगा 8351। ये देखिए बस डाउनलोड हुआ, ओपन हो गया। ये देखिए आपका दोस्तों, आप लोग इस केस को देख के विश्वास नहीं मांगेंगे कि आपका जो केस था ये वाला खारिज हो चुका है। ठीक है, खारिज क्या है, इसमें आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने ऊपर बताया पहले, यहाँ देखिए आपका जो हुआ था, आपके जो जज साहब हैं प्रकाश पहाड़िया जी, लिखा हुआ लिस्ट ऑफ फ्रेश केस हैव बीन रिवाइज, नो बडी इज प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ पिटीशनर टू प्रेस दिस रीड पिटीशन, लैंड स्टैंडिंग काउंसिल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट एंड श्री भानु प्रताप सिंह एंड लैंड काउंसिल फॉर द रिस्पेंडेंट नंबर 3 आर प्रेजेंट लिस्ट इन नेक्स्ट केस कॉज लिस्ट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपका जो ऑर्डर डेट हुआ था 21/1/2019 को। यहाँ पे आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई आगे वाली डेट की बात नहीं की गई कि 3 वीक वाला आना, जैसे पिछली बार देखा गया था कि 3 वीक बाद बुलाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिन्होंने याचिकाकर्ता थे, जिन्होंने याचिका डाली थी, उनकी तरफ से कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ था, तो ये जो ऑर्डर हुआ है वो स्टेट ऑफ यूपी के थ्रू हो गया। ठीक है, ये उनके बिहाफ में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडिंग काउंसिल ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ एंड श्री भानु प्रताप सिंह। ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी की तरफ पक्ष में ये सब चला गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये केस है इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ये जो बुक चाह रहे थे जो लोग कि यहाँ केस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई आगे डेट भी नहीं बढ़ाई गई है। ठीक है दोस्तों, अभी अभी देख ले होंगे आप में से जो लोग कह रहे थे कि दूसरा केस हो रहा था, दूसरा केस में मैंने दिखा दिया कुछ नहीं होने वाला। और रही बात पहले केस की, वहाँ 3 वीक बाद बुलाया गया, तो मतलब आज या कल में सुनवाई हो जाएगी, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो जितने भी आपके डाउट हैं वीडियो रिजल्ट को लेके वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़ी जो भी पल पल की अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी आपसे इजाजत चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।